अमृतसर विखे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस विच उन्हां 22 सितंबर नूं होण वाली विधानसभा की मीटिंग नूं रद्द करन लई केंद्र दी भाजपा सरकार ते निशाना साधदिआं कहा कि भाजपा पंजाब विच ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्हां कहा कि अज संविधान नाल खिलवाड़ किया गया है, जेकर लोड़ पई तां फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। उन्हूं पहला तो अपरूवल दे दी, पर बाद दे विच कोई पोलिटिकल मोटिव सामने रख के तो उहदी मंजूरी जिहड़ी आ उह वापस लै ली गई। मैं तुहानूं संविधानक पक्ष जिहड़ा आ उह सांझा करना चाहुंदा कि भारत दे संविधान अनुसार असीं एक फैडरल कंट्री आ, संघात्मक ढांचा है साडा, स्टेट्स दियां यूनियन दियां वक्रियां वक्रियां शक्तियां ने। संविधान की धारा 174 दे अनुसार माननयोग गवर्नर साहब नूं अधिकार दिता गया है कि वह सैशन जिहड़ा ना वह बुला सकते हैं, पर नाल दे नाल ही धारा 163 दे विच यह कहा गया है कि गवर्नर वो एक्ट करनगे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स हैडड बाय चीफ मिनिस्टर, कि वो काम करनगे किहदी मदद दे नाल, स्टेट दी कैबिनेट मंत्री परिषद उन्हां दे अनुसार काम करनगे, उस तो बाहर जाके काम नहीं करनगे। ये जिहड़ा फैसला पहला हाउस नूं बुलाउण दा अप्रूव कर लिया गया, बाद दे विच तीन विधायक जिहड़े ने वो गवर्नर साहब कोल जांदे ने, जाके चिट्ठी देंदे ने और गवर्नर साहब जिहड़ा आ वो अप्रूवल जिहड़ी आ उहनूं विदड्रॉ कर लैंदे ने। देखो भारत दा संविधान भारत नूं इक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित करदा, असीं लोकतंत्रिक हाँ, इंडिया दी डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आ भारत दे विच, और भारत दा संविधान ही इत्थों शुरू हुंदा आ वी द पीपल ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर एक केशवानंद भारती वर्सस स्टेट ऑफ केरला 1973 दे विच फैसला आया सीगा, उहदे विच वी कहा गया सीगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जिहड़ा आ उहनूं तुसीं किसे तरह नाल उहदे नाल छेड़छाड़ नहीं कर सकदे। इस वेले ये जिहड़े काम किए जा रहे ने ये फैडरल ढांचे के विरुद्ध भी ने, ते नाल दे नाल एक चुने हुए विधायक जिस पार्टी नू इन्ना वड्डा फतवा पंजाब दे लोकां ने दिता होवे, 117 दे विचों 92 MLA जिहड़े आ वड्डे मार्जन दे नाल जिता के भेजे होण, और उन्हां नू एक नॉमीनेटड गवर्नर इज़ नॉमीनेटड पोस्ट, कोई इलैक्टड पोस्ट नहीं है, नॉमीनेशन होंदी आ उन्हां दी, और एक नॉमीनेटड जिहड़ा ऑफिस आ उहदे द्वारा एक इलैक्टड जिहड़ी सरकार आ उहनूं ओवर रूल किया गया, उन्हां नूं नॉमीनी दी पावर जिहड़ी आ उहदे च ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री होण दे नाते साडा जिहड़ा ज़्यादा अधिकार ने वो लोकां दे चुने हुए नुमाइंदियां दे ने। तुहानूं पता सारिआं नूं कि पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस जिहड़ा शुरू कीता सीगा, साढ़े कुछ विधायकों नूं ऑफर आईआं, फोन आए और उन्होंने उन्होंने वड्डियां ऑफर दित्तियां, पर पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस पूरी तरह फेल हो गया। भारत के वख-वख हिस्सों दे विच BJP ने ऑपरेशन लोटस चलाया, गोवा दे विच 8 विधायक जिहड़े सीगे उन्हां नूं कांग्रेस दे विधायक सीगे उन्हां नूं अपने वल लै लिया, साढ़े विधायक उन्होंने शिकायत की कि इस तरह के फोन आते ने, DGP पंजाब को शिकायत भी जिहड़ी आ दर्ज कराई गई है। सो ये जिहड़े ट्रेंड ने लोकतंत्र नूं कुचलन दे, ये लोकतंत्र का कतल आ, जिथे चुने हुए नुमाइंदियां दे, देखो जे विधानसभा का सैशन चुने हुए नुमाइंदियां नूं विधानसभा का सैशन ही नहीं करन देना तो फिर विधानसभा चोणां दी वी कादी लोड़ आ। विधानसभा तो इसे करके बनी है ना, लोग इस करके ही इलैक्शन करते हैं ना कि उत्थे जाके साडे मुद्दे लोगों के जोड़े मुद्दे ने वो डिस्कस होन और उन्होंने सल्यूशन जोड़ा आ वो लभ्या जाए। सो जे एक चुनी हुई सरकार सैशन ही नहीं करन देना तो फिर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाते।
लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे ने, नॉमीनेटड उहते जिहड़े आ उह वड्डे नहीं हुंदे। सो ये जिहड़ा क्योंकि असीं खुलासा करना सीगा की पंजाब दे विच जिहड़े ने बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत कर रही है, सो इन्हां नूं घबराहट सीगी। अज गुजरात दे विच, हिमाचल दे विच चोणां होण जा रहियां ने, आम आदमी पार्टी का वाधा होया ग्राफ जिहड़ा आ उह हर तरह इन्हां नूं सता रहा। जिहड़ी विदड्रॉल की गई है माननीय गवर्नर साहब वल्लों, उहदे विच उह पार्टियां बीजेपी ते कांग्रेस उन्हां दे विधायक लैटर देंदे ने, जिथों यह साबित हुंदा है कि दोनों ही पार्टियां रलियां होईयां ने। दोनों का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी नूं वधन तों रोकिया जाए, नहीं तो कभी इस तरह नहीं हुंदा कि दो नैशनल लैवल दीयां पार्टियां जिन्हां ने कई कई वारी राज कीता उह दोवें एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां हो गईयां ने, एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां हो के आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ा अगे वधन तों रोक रहीयां ने। 2024 दे विच लोक सभा दीयां जनरल इलैक्शन जिहड़ियां ने उह होणियां ने, उहदे विच ग्राफ जिहड़ा आ पार्टी का दिन ब दिन उपर जा रहा है। माणयोग मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, कन्वीनर आम आदमी पार्टी, वो एक सारा देश उन्हां नूं एक बदल दे रूप दे विच देख रहा कि राष्ट्रीय बदल जिहड़ा आ आम आदमी पार्टी दे सकदी आ, क्योंकि कांग्रेस ते खिल्लर पुल्लर गई और जो ऑपरेशन लोटस आ कुछ उधर जाई जांदे ने, आलमोस्ट चले ही गए ने। सो उन्हां नूं एक ते एक ही डर खाई जा रहा है, वो ये आ कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ ये सानू तगड़ी फाइट 2024 दे विच देन जा रही है। सो इस करके ये जड़े इस तरह के घनौनिया हरकतां जिहड़ियां ने वो कीतियां जांदियां ने। 21 सितंबर जिस दिन नूं ये जड़ी अप्रूवल सीगी वापस ली गई, उस दिन नूं पंजाब दे विच काले दिवस के तौर पर मनाया जाऊगा, क्योंकि कदी इस तरह हुंदा नहीं आ कि एक देश का संविधान, ये मैं तुहानूं एग्जाम्पल कोट करके दस सकदा हां, ये डॉक्टर भीम राव अंबेदकर द्वारा ड्राफ्टड ये संविधान आ, ये जिहदी शुरुआत ही जिहड़ी आ उह पीपल वी द पीपल तो शुरू हुंदी आ, डेमोक्रेटिक सैटअप तो शुरू हुंदी आ, की किसी के फंक्शन ने, की किसी के अधिकार ने, किवें किसी ने ड्यूटी करनी आ, हर एक चीज़ ये लिखी आ और उहदे अकॉर्डिंगली ही सारा देश जिहड़ा चलता। सो दिस इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, लैंड का सब तो उपरला जे कोई कानून आ तो वह संविधान आ। सो अज संविधान ही जिहड़ा आ उहदे उत्ते जिहड़ा आ उहदे अनुसार काम करन तो जिहड़ा वो चुनिया हुई सरकारां नूं रोकिया जा रहा। सो असी आम आदमी पार्टी वालों, साडे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान वालों, असी जिहड़ा ऑपरेशन लोटस चल रहा है, असी ये यकीनन कह सकते हैं कि साडा कोई भी विधायक जिहड़ा आ ऑपरेशन लोटस की लपट दे विच नहीं आऊगा। इन्हां ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है और दूसरे पासे भारत की जनता ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया हो। जनता चाहती है कि हर तरह की सफाई होवे, भ्रिष्टाचार का खात्मा होवे, बेरोज़गारी का खात्मा होवे, वधिया हैल्थ सर्विसेज मिलन, वधिया एजुकेशन मिले। सो लोकां ने अपना फर्ज जिहड़ा आ उह समझ लिया होया, इस करके ही पंजाब दे विच इन्ना वड्डा फतवा मिलिया और आने वाले समय दे विच दूजियां स्टेटां दे विच और 24 दे विच लोक सभा दे विच भी फतवा मिलन जा रहा है। इस कारण करके इहो जिहियां कारवाइयां जिहड़ियां ने इह कीतियां जा रहियां।